बातें संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। संक्षेप में, पूरा संक्षेप में? हाँ, पूरा शुरू। दो कारण है उसके, दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा भी कल से थोड़ा गला खराब है। आपको ज्यादा दूंगा, अब बीच में कम बोलेंगे तो अच्छा रहे। शैलेंद्र जी तो अच्छे, कृपया। 498 करोड़, 498.1.5, इसकी आपने पूरक मांग रखी है। पिछली बार भी मुझे ही मौका मिला था कि रेलवे के बजट पर मैं चर्चा का प्रारंभ करूं, ठीक है भैया, मगर आज जैसी स्थिति बनी वैसी उस वक्त भी रेल बजट पर बनी थी और पूरा रेल बजट बगैर चर्चा पास हो चुका है। कुछ मेरी कठिनाई इसलिए है उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हो, मैं जानता हूं, रेल मंत्री कहना हम सबके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि दीदी दीदी है। इसलिए पार्लियामेंट की प्रोसीजर में कहीं अगर मैं इतना पुराना, हाँ बंधन भी है कि जो परंपरा है उसमें कहीं गलती कर दूं, दीदी कह दूं सीधी बात में, तो आप क्षमा करिएगा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एकदम जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल उनकी राह देख रहा है, मगर रेलवे का स्वास्थ्य जल्दी ठीक होना जरूरी है। आठ करोड़ की जनता की चिंता लगातार अपने जीवन दांव पर लगा करके आपने की और करते हो, 100 करोड़ रह जाते हैं। रेल सारे मंत्रालयों से मेरे इतने सालों के अनुभव के बाद एक ऐसी जीवंत मंत्रालय है जो सिर्फ ट्रेन की पटरिया पर डिब्बे नहीं दौड़ते हैं, ये नहीं दौड़ता, लोगों की आत्माएं जुड़ती है, भावनाएं जुड़ती है, परिवार परिवार जुड़ता है। अहमदाबाद से, महानगरों से मैं, हम लोग आते हैं, कहीं मेरे सांसद मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, काफी लोग देश भर के वहां बसे हुए हैं, वो जाते हैं, मां बहन बेटी बहू राह देकर बैठी है कि एक साल के बाद कब आएगा। तो रेल का रिश्ता बहुत ही संवेदन और हृदय से जुड़ा हुआ रिश्ता है। इस रेल की सुविधाओं को अत्यंत लोकाभिमुख, सीधा जनता के साथ जुड़ करके उसे ठीक करना चाहिए। मुझे जब रात को पढ़ते पढ़ते उपाध्यक्ष महोदय ये अनुदानों की मांग पर मैं जब पहला ही पन्ना देख रहा था, तब मैं दीदी का ध्यान आकर्षण आपके माध्यम से करना चाहूंगा। आज का अखबार उठा लीजिए, आपने 498.1.5 करोड़ की दो अनुदान मांगे रखी है, 100 करोड़ रुपया आपने कॉमनवेल्थ गेम को देना उसमें कमिटमेंट किया है। अब कॉमनवेल्थ गेम पर कितना बड़ी राजनीति, और राजनीति नहीं, सही जो चीज हमारे सामने आ रही है, भ्रष्टाचार से पूरा कॉमनवेल्थ, पूरे हिंदुस्तान की गरिमा को, हिंदुस्तान के गौरव को तबाह करने पर तुला है। संसद दो दिन तक चली नहीं। ऐसी स्थिति में 100 करोड़ रुपया रेलवे का देना आज के अखबार में, आज की सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है टॉप पीएसयूज विड्रॉ गेम्स स्पॉन्सरशिप। सारे पीएसयूज स्पॉन्सरशिप से विड्रॉ कर रहे हैं लाखों लाखों करोड़ रुपए। जब यहां से हमारे नेता, सभी प्रतिपक्ष के नेता, सभी रूलिंग पार्टी के नेताओं ने भी इस पर प्रश्न खड़े किए कि कॉमनवेल्थ में बहुत बड़ा घपला है, पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है,
100 करोड़ जितनी रकम आप अपने रेलवे में से कॉमनवेल्थ को देने जा रहे हैं, जबकि बाकी जिनका कमिटमेंट था वो विड्रॉ कर रहे हैं। एनटीपीसी ने 50 करोड़ का किया था, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। जिस तरह से कॉमनवेल्थ का आयोजन है, अब पैसा आगे नहीं मिलेगा, 20 करोड़ दिया अब नहीं मिलेंगे। पीजीसीआईएल उन्होंने भी मना कर दिया पैसा देने से, इसलिए उन्होंने आपको ढूंढा। बाद में अखबार ने एंड में लिखा आप उसकी ट्रैप में आ गए। बस मेरी उनको रोक दीजिए, रोक दीजिए। सेफ्टी के लिए आपने रेलवे सेफ्टी के लिए सिर्फ 10,000 या 50,000 रुपया रखा। बाद में एक इम्पोर्टेंट इश्यू रेज किया है, पार्लियामेंट चल रहा है, इसी के लिए मेरे को भी जानकारी देना जरूरत है। ये हमारा बजट का कमिटमेंट था, बजट में हम लोगों ने अनाउंस किया था, तब तो ये डेवलपमेंट नहीं था ना, वो बजट का अनाउंसमेंट था जनरल बजट में। तो सप्लीमेंट्री है ना, प्रोविजन रखना जरूरी है, लेकिन हम कैसे देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, कौन तरीका अपनाएंगे, दैट वी विल डिसाइड। हमने अभी तक नहीं दिया, दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट, हम लोग क्रेडेंशियल्स देख के करेंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। क्योंकि उन्होंने बाद में लिखा एज पार्ट, क्योंकि सारे लोगों ने मना कर दिया हम नहीं देंगे पैसा कॉमनवेल्थ, गलत मिसयूज हो रहा है पैसों का, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उन्होंने फिर एज पार्ट ऑफ द डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैड कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट विथ स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड देन दे फाउंड द सोर्सेज फ्रॉम रेलवे, इंडियन रेलवे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड एयर इंडिया। तीनों से कैसे पैसे लिया गया? कम से कम आपने सदन को आश्वस्त किया है कि इस पर जरूर सोचेंगे। मैं समझता हूं सोचना चाहिए, चर्चा बहस होने वाली है कॉमन कॉमनवेल्थ गेम्स पर और भी होने वाली है, क्योंकि अब एक के बाद एक और घोटाले खुलते जा रहे हैं। एक प्रार्थना मेरी ये है, दूसरी प्रार्थना पिछली बार के बजट में अगर आप कहो तो भारत की संविधान की धारा 74-75 में स्पष्ट उल्लेख है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका क्या कर्तव्य है। उसमें एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, वो 42nd अमेंडमेंट में ये कहा गया कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा ओपनिंग कर रहा है। 13 फरवरी 2009 को लालू जी ने इसी सदन में रेल बजट रखा। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी का आपके माध्यम से, और उन्होंने कहा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में 90,000 करोड़ रुपया सरप्लस मैंने रेलवे को छोड़ दिया। दुनिया भर से उनको निमंत्रण मिला, आईआईएम अहमदाबाद की सबसे विश्व की प्रसिद्ध संस्था में उनका भाषण हुआ कि कितना बढ़िया उन्होंने संचालन, हाउ कुड ही मैनेज टू गेट सरप्लस फंड ऑफ 90,000 करोड़ रुपीज। चुनाव आया, वही सरकार, अमेंडमेंट 42 कहता है कि सबसे बड़े ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री बदलते रहेंगे, सरकार की कार्यशैली नहीं बदलेगी। 3 जुलाई को आदरणीय दीदी ने, रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में कहा कि मैं आने वाले 3 महीनों में श्वेत पत्र व्हाइट पेपर रखूं, रेल का ढांचा कैसा होना चाहिए, वित्तीय क्या स्थिति है। और उन्होंने जो फिगर दी उसके बाद जो श्वेत पत्र व्हाइट पेपर आया, दैट वॉज द सरप्लस फंड विच रेलवे हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑन 3rd जुलाई विच एज सी प्रोमिस्ड वॉज 39,500 करोड़। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला। एक ही सरकार के 2 मंत्री, एक मंत्री कहता है 90,000 करोड़,
दूसरा मंत्री कहते हैं 35,500 करोड़। तो ये 50,500 करोड़ का जो मैं जानना चाहता, सदन जानना चाहता है, ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। एक ही सरकार के दो मंत्रियों के दो अलग अलग बयान और 50,000 करोड़। मैं प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से सदन में निवेदन करना चाहूंगा, दीदी की मंशा, दीदी का कामकाज पर मुझे पूरा भरोसा है। सही क्या है, सच्चाई क्या है, क्या सचमुच 90,000 करोड़ का प्रॉफिट था या 39,000? ये वित्तीय बहुत बड़ी गैप है। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो बात ये है कि आपने ये कहा कि जब इस बार का बजट रखा गया तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भाव नहीं बढ़े थे, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल उस वक्त बढ़े थे, इस बार भी बढ़े, क्योंकि रेल बजट पहले आया, उसके बाद जो बजट आया वित्त मंत्री का, दौरान पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, 900 करोड़ रुपया रेल को नुकसान हुआ पिछले बार, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस और उसके ड्यूटी के कारण 6,500 करोड़ रुपया आपको ज्यादा देना पड़ा 3-4 महीने पहले, उस वक्त के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव की वृद्धि के कारण कुल मिलाकर के 7,400 करोड़ 7,400 करोड़ रुपीज आपको घाटा हुआ, भाव बढ़े, और फिर दोबारा आज बजट आप लाए हो, कहीं पर भी उल्लेख नहीं, वो 75,000 करोड़ कैसे सरबत ठीक ठाक करो, आज फिर दोबारा भाव बढ़ा दिया डीजल में 2 रुपया 25 पैसा, और 7,500 करोड़ बढ़ेगा घर पर बर्डन। तो मेरा यही निवेदन है कि इतना बड़ा वित्तीय घाटा रेल पर पड़ेगा तो रेल की सारी योजनाएं कैसे सफल होगी? आपने अपने भाषण में ये कहा था कि पिछले 50 साल में 1,08,505 किलोमीटर की हमारे देश में लाइनें हैं ट्रैक, उसमें 1950 में 53,596 किलोमीटर की लाइनें बिछाई गई, और 2008 में यानी 58 वर्ष में 53,000 से लेकर 64,000 यानी प्रतिवर्ष 180 किलोमीटर की लाइनें बिछाई गई, टोटल लाइनें बिछाई गई 50 साल में 58 साल में 10,419, और आपने टारगेट रखा है 25,000 किलोमीटर का, अवास्तविक है, ये सारा बजट अवास्तविक बनता जा रहा है, 4 साल में नहीं होगा, प्रतिवर्ष 58 साल में जो 180 किलोमीटर हुआ प्रतिवर्ष, वो प्रतिवर्ष 2500 किलोमीटर हुआ हिसाब, जहां तक मेरा मैथ है, मुझे गणित थोड़ी बहुत आती है, हो जाएगा तो खुशी की बात है। दीदी दीदी कहती कि हो जाएगा, कृपया आपस में आपस में बातचीत नहीं। और आपको तो खुश होना चाहिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, माननीय सदस्य चाहिए, और मैंने माननीय सदस्य आसन की तरफ देखकर बोले उधर नहीं करना है, उधर हमारे थोड़ी मेरी सबसे दोस्ती है ना, इसलिए थोड़ा चलता है। 2500 डील नहीं करता मैं, मैं व्यापारी नहीं हूं, डील नहीं करता हूं, दिलों का रिश्ता रखता हूं, दोस्ती करता हूं, डील करना मेरा काम नहीं है। तो 2500 किलोमीटर प्रतिवर्ष असंभव है। एक दूसरी वित्तीय व्यवस्था मेरे ध्यान में आई, वो आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, उनको तो मैं कह नहीं सकता जो गैलरी में बैठे हैं। आपने
पेज 23 पिछले बजट के पैरा 97 में टोटल रिसीप्ट अब इनकम जो आपकी इनकम आई वो जो यू आर एक्सपेक्टिंग द टोटल रिसीप्ट फॉर 2010-11 दैट इज 94,000। कृपया समाप्त करें। अरे फर्स्ट स्पीकर हूं मैं, दो घंटे का समय मेरी पार्टी को है, टू आवर्स बाकी जो हम लोग पूरा कर रहा हूँ। मैं 10 मिनट में पूरा कर दूंगा, मगर जो जरूरी चीज है वो तो रखूं, बाकी मांग में टेबल कर दूंगा। ये सारी क्योंकि ये किसी के ध्यान में नहीं आया, पिछली बार भी मुझे मौका नहीं मिला और सारा बजट ऐसा चला गया। और ये सारी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं जिसका ध्यान आकर्षित संसद का करना जरूरी है, क्योंकि वहां गलतियां हैं मेरे हिसाब से, या तो वो सुधारे। मैं विषय वो बजट पर बोल रहा हूँ, वो गांव अपने विस्तारों की डिमांड पर बोलना वो अलग बात होती है, विषय पर बोलना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई एम टॉकिंग ऑन द रेलवे बजट। अपने इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल देन आई एम सॉरी, वरना मैं समझता हूं कि मुझे वही कहना चाहिए कि जो कि रेल बजट से संबंधित है। बाकी ये दरवाजा खोल दो, फाटक खोल दो, ब्रिज बना दो, गार्डमेल, ये तो सब बोलेंगे। नहीं मैं दो तीन ये आखिरी बात है जो वित्तीय से संबंध रखती है, और हम सबका कर्तव्य है कि वित्तीय बाबतों में फाइनेंस में हम देखें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अगर मेरी गलती है तो मैं मानने को तैयार हूं। मैंने जो पढ़ा पिछले बजट में 94,765 दैट इज द टोटल डिस्ट्रिक्ट and total expenditure which you have shown in your budget on page 23, 87,100. So, the total difference plus surplus is 7,665. Instead of that, you have written in your budget speech that the surplus would be 9,782. Maybe a small mistake, but this should be brought to the notice of the House. If it is correct, you may correct it. It is recorded and it is, I am quoting the page number 23. Usme aapne 9,782 crore rupiah bataya ki hamare paas surplus rahega, jabki dono aankdo ko milao, receipt or expenditure, to wo banta hai 7,600. Main sirf इसी दो चार बातों का ध्यान रख करके सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि रेल में सुधार की आवश्यकता। आप खूब आगे बढ़ो, व्यक्तिगत तौर पर मेरी इच्छा है पश्चिम बंगाल में, मगर फुल फ्लेज व्यक्तिगत तौर पर फुल फ्लेज रेल मंत्री का दिल्ली में रहना अत्यंत आवश्यक है। वो रहेंगे, मुझे विश्वास है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि पूरा समय दे करके जो सभी सांसद अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि आपने कहा है मुझे समाप्त करना है, तो गुजरात की जो कुछ मांगे हैं अभी भी आपके कहने पर होता क्या है दीदी, सॉरी मैं डायरेक्ट वधिक जी, आप कह देते हो, अब मैं करीबन 7 टर्म से हूं, 7 बार से यहां बैठा हूं, 21 साल से मीटिंग हो जाती है हमारी। आपके कहने से मीटिंग जीएम के साथ हो गई। दी वेस्टर्न रेलवे जीएम डिड नॉट बॉदर टू रिस्पॉन्ड माय नेचर। पहली बार इतने सालों में मैं मंत्री रह चुका हूं आपके साथ, हम दोनों साथ मिनिस्टर थे। मैंने वहां उनकी प्रशंसा करते हुए रेल की कहा, मंत्री जीएम साहब को ये कुछ समस्या है मेरे क्षेत्र की है, गुजरात की है, गुजरात के साथ अन्याय हो रहा है, अभी तक उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। नहीं मैं बंबई जाऊं क्या, अब ये सोचोगे हर एक सांसद बंबई जाएगा या हेडक्वार्टर जाएगा, कम से कम वो जवाब दे देते कि नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज सबकी शिकायत है।
दीदी आपसे यही प्रार्थना है, आपसे यही प्रार्थना है दीदी कि अधिकारियों को कहे, आपसे दीदी यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अधिकारियों से कहे कि सांसदों का सम्मान रखे। हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगा, हमने ठेका नहीं मांगा, न मैंने जिंदगी में मांगा है, जिंदगी में नहीं मांगूंगा। 35 साल से चुनाव जीतता आया हूं, कभी नहीं मांगूंगा मैं, और कोई नहीं मांगेगा मेरा सांसद। हम अपने क्षेत्र की बात रखेंगे और छोटी छोटी बातें में आपको परेशान नहीं करेंगे, अहमद साहब को परेशान नहीं करेंगे। तो फिर उनको तो चाहिए कि काम करे। रेल का फाटक चौड़ा करना है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, सेम ट्रैक पर दोनों गाड़ियां एक साथ आ जाती है, एक घटना कोई मामूली घटना नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, सेफ्टी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि गुजरात की जो कुछ वेस्टर्न रेलवे का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला, मैक्सिमम इनकम देने वाला अगर कोई डिवीजन जोन है तो वो वेस्टर्न जोन है। अब मैं समाप्ति के पर आ रहा हूं, बाकी लेकर दूंगा। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, हम कब से लड़ाई लड़ते हैं, मगर मुंबई में रहना अपने अधिकारियों को बहुत अच्छा लगता है, वो मोहमय नगरी है ना अधिकारियों को जिनका निवास स्थान है वो तो रहेंगे, वो तो वहां से कमिटेड है। 90% से ज्यादा रेलवे की लाइनें गुजरात से निकलती है, प्रसार होती है, गुजरती है। उनका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में होना चाहिए, ये हमने कब से मांग की है। फिर एक बार सोच लीजिए, सारे संचालन में भी आपको इससे फायदा होगा, संचालन ठीक तरह से होगा। और जब तक ये निर्णय राजनीतिक हो जाता है कई बार न हो, तब तक दीदी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि एक जोनल ऑफिस, 8 डिवीजन आते हैं वेस्टर्न रेलवे में, एक जोनल ऑफिस अहमदाबाद में बनाई जाए। मांग मेरी रहेगी वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो मुंबई में है वो अहमदाबाद में लाया जाए। इसके साथ बाकी के गुजरात की जो मांगे हैं मैं आपकी अनुमति से टेबल पर रख करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आप ले नहीं सकते हैं, ले सकते नहीं है, अब तो बोले ना, अब तो खत्म कर दीजिए। हम नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरी मांगे तो, हाँ तो मैं बोल देता हूँ। आप फटाफट पढ़ दीजिए ना, मैं मंत्री जी को अगर कहो तो दे दूँ, उनको दे सकते हैं, आप कहो तो बोल दूँ, मैं मंत्री जी को दे सकते हैं। हाँ तो मंत्री जी को मैं ये सारी मांगे दे दीजिए, दे देता हूँ, धन्यवाद, लेकर देता, धन्यवाद। समय का अभाव है, ले तो करते हैं, अब बोले ना आप, इतना फिर मैं बोल लूँ, 10-5 मिनट में सारी मांगे, 2 मिनट लगेगी। डायरेक्ट मंत्री को दे दीजिए ना। नंबर 1, जैसे मैंने कहा 90% ऑफ द रेलवे लाइन ऑफ द वेस्टर्न रेलवे आर पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, बट द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज एट मुंबई। इट इज लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात एंड ऑल्सो ऑफ माई हेडक्वार्टर। नंबर 2, there was a survey already conducted to lay third track between Ahmedabad and Mumbai, but till date nothing has been done. I request you to kindly pursue this pending issue at the earliest, as it was announced in the last budget that Ahmedabad, Baroda, Rajkot, Surat and Bhavnagar were declared multifunctional stations. Nothing has been done. Kindly allocate necessary fund for this purpose. Third, Ahmedabad was declared world class station in the last year's budget, but till date nothing has been done in this kind. Kindly pursue this matter. Kindly introduce the following new train from Ahmedabad to Gandhinagar, Ahmedabad to Amritsar, Ahmedabad to Kolkata, Ahmedabad to Mumbai. Kindly develop following stations. Reduce Sabarmati railway station, Dehgam, Maninagar should be developed, and the great convergence. I am sending the list to the honorable minister. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.